अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान 14 अगस्त के दिन हमारे वजूद में आया और हम हर साल 14 अगस्त इसी जोश खरोश के साथ मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल कुदरती जखीरों से मालामाल है। अगर हम उन जखायर को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान को तरक्की पजीर ममालिक में नहीं तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होना चाहिए था। हम अगर इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान हासिल करने की हमारी मेन वजह क्या थी, हमारा नजरिया क्या था, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है, हमारी सीरत क्या कहती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कई सौ साल पहले बता दी गई थी हम उनको समझते नहीं है, हम उन पर अमल नहीं करते। वो सारी बातें जो हमारे कुरान मजीद में मौजूद हैं, जिसको दूसरे ममालिक के लोग जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो सर्च करके एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं और मजीद आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हम कहाँ गलत हैं, हमारे अपने मुल्क में कहाँ किन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को सही करने की ज़रूरत है, हमारे ईमानों को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी काम ईमानदारी से किया जाता है वो यकीनन कामयाबी की तरफ जाता है। इसी हवाले से आज मेरे साथ एक बहुत सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं, साजिद बर्क साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ये 73वां यौम आज़ादी जो है मुबारक हो और अल्लाह तबारक व तआला इसको कायम दायम रखे और हमेशा इसकी तरक्की की के लिए हमें अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और चलते हैं अब आपके सवाल की तरफ। अच्छा, जैसा कि माशाल्लाह से आप एक बहुत सीनियर तजज़ियाकार हैं और ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपने तो बहुत से उतार चढ़ाव देखे, आपने बहुत कुछ देखा, शायद जन से पहले की भी सूरत हाल आपको पता है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप मुझे बताएं कि बेसिक जो मकसद था पाकिस्तान को हासिल करने का वो क्या था? पाकिस्तान को हासिल करने का बुनियादी मकसद जो था, फ़ज़ाहत तो हमें ये पढ़ने सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान 1947 में 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, ये बात अपनी जगह पे मुसलमान हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस दिन 14 अगस्त 1947 ही नहीं था बल्कि उस दिन रमज़ान उल मुबारक की 27वीं रात भी थी जिस दिन पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। और इसको इसके असूल के लिए बहुत सारे हमारे अबाउल दाद ने कुर्बानियाँ दी, कसीर तदाद में जिनको हम गिनना चाहें तो उनको शायद आज शुमार ना कर सके, इतनी ज़्यादा तादाद थी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी हासिल करने की, क्योंकि बड़े सगीर पे सबसे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि चूंकि पाकिस्तान जब गरमाज़ वजूद में आया तो ये खिता जो है हिंदुस्तान जिसे कहा जाता था बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट, इस पर कभी भी यहाँ के मकामी लोगों की हुकूमत नहीं रही और अक्सर औकात यहाँ पे दीगर ममालिक से आने वाले हमला आवर लोग जो है वो यहाँ हुक्मरानी करते रहे। तो जब मुगलिया दौर में अंग्रेज़ तजारत के नाम पे उसने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और वो यहाँ आया और आहिस्ता आहिस्ता उस काबज़ हो गया, तो इस दौरान औरंगज़ेब के बेटे जो थे उनके दरमियान नफाक था जिसकी वजह से जो मुगलिया सल्तनत थी वो कमज़ोर पड़ चुकी थी। अच्छा, मतलब मेन मकसद ये था पाकिस्तान को एक मुस्लिम ममालिक के तौर पर एक अलहदा मुल्क बनाने का जो मकसद था वो यही था। जी, यह यही था कि पाकिस्तान को भी ये तो मतलब कि स्टार्ट करना, बड़े सगीर की बात कर रहा हूँ कि बड़े सगीर में हुआ असल में क्या, क्योंकि यहाँ पे हर दौर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आके हुक्मरानी करते रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब मतलब ये तहरीक शुरू हुई असूल पाकिस्तान के लिए तो उसकी बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त मुगलिया ख़ानदान का यहाँ पे राज था और उन्हीं के आशीर्वाद पे अंग्रेज़ यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे दाखिल हुआ। सही। बज़ाहिर तो वो तजारत के नाम पे आया कि कारोबार करें कि हम हिंदुस्तान के साथ ये जो सब कॉन्टिनेंट है या एशिया है उसके साथ पूरा मतलब यूरोप जो है वो
काम कर अपना कारोबार करेंगे, लेकिन उसके मकसद कुछ और थे। उसके मकसद जो था वो ये था कि इस खत्ते पे हमें हुक्मरानी की करनी है। सो उन्होंने हुक्मरानी की, उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि अंग्रेज जब आया तो औरंगजेब के बेटे जो थे वो उनके दरमियान नफाक और इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है सल्तनत मुगलिया जो है वो कमज़ोर पड़ गई, और वो इस दौरान अंग्रेज़ जो है वो अपने पांव जमा चुका था। लेकिन ये तहरीक उस वक्त शुरू हुई, बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि 1940 में हमने करारदादे पाकिस्तान मंजूर की 23 मार्च 1940 को, जो लाहौर में मिंटो पार्क में मुनक़द की गई थी, जिसे आज मीनार पाकिस्तान जहाँ पे मौजूद है, तो उसको लोग यादगार के तौर पे भी कहते हैं, यादगार पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि यादगार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यादगार मुर्दा चीज़ों के लिए होती है, जो मुर्दा होती हैं उनको याद किया जाता है, जो मौजूद होती हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा हमारी आंखों के सामने हमारे दिल में मौजूद होती हैं, हमारे एहसास में वो कहीं ना कहीं होती हैं। तो इसलिए यादगार का नाम जो अक्सर लोग उसको यादगार के तौर पे कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको अब ये नहीं कहना चाहिए। वो मीनार पाकिस्तान एक बाकायदा वजूद है, एक सिंबल है वो पाकिस्तान की करारदाद के हवाले से। तो वहाँ पर ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान को जो है वो अलग होना चाहिए और एक ऐसी रियासत बनाई जाए जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत के जो हिंदुस्तान के इलाके हैं वहाँ पे मुसलमानों की हुक्मरानी हो। लेकिन इससे पहले ये 1930 में अलाहाबाद में होने वाले इजलास में हजरत अलामा इकबाल, जो शायर मशरक, हकीमुल उम्मत और फ़ख्र पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी कि आल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में कि मुसलमानों को आप अपनी एक अलग रियासत के लिए कोशिशें करनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान बनाने का ख्याल अगर किसी के दिल में आया तो ये नज़रिया सबसे पहले जो है वो ये तजवीज़ उनकी थी। तो उन्होंने तो एक नज़रिया अपना पेश कर दिया, उनकी सोच पैदा हुई कि मुस्लिम ममालिक का एक अलग मुल्क होना चाहिए, लेकिन इस उनके ख्वाब को उसके इनके नज़रियों को पूरा करने के लिए किन किन लोगों ने अपना किरदार अदा किया? इससे सबसे पहले तो बुनियाद इसकी जो रखी गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, ये 1906 में रखी गई थी ढाका में। सही, ढाका में रखी गई थी। ये सर सैयद अहमद खान के रफीक थे, दोस्त थे और बड़े मुखलिस साथी थे नवाब मुहसिनुल मुल्क, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। सही, तो ये फिर सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और 1930 के अजलास के बाद जब अलामा इकबाल अला रहमत ने ये तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान बनना चाहिए, उन्होंने एक मुस्लिम रियासत का तसव्वुर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान का नाम तजवीज़ नहीं हुआ था, तजवीज़ बाद में किया गया था, लेकिन उन्होंने एक अलग मुस्लिम रियासत का तसव्वुर पेश किया था जिसको सब ने मतलब ऑन किया और ये करारदादे पाकिस्तान में फिर इसका बाकायदा ऐलान किया गया कि, और वो ऐलान जो था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने किया। सही। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी कही, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, ऐसी कौन सी वजूहत हैं जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि तरक्की पजीर ममालिक में शामिल करती है? हम कहाँ गलती पर हैं? वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए? ऐसी कौन सी चेंजिंग है जो हमें अपने अंदर पैदा करके अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहिए? प्लीज़ मुझे बताएं। असल में वजह यह है कि तारीखी पस मंज़र में हम जाएँ तो बहुत सारा वक्त दरकार है, चूँकि आप लोगों का टाइम महसूस होता है, उसमें आपने पूरे प्रोग्राम को सामना करना होता है। मैंने आप शुरू में हवाला दिया था बरतानवी हुकूमत का कि किस तरह वो अंग्रेज़ जो है वो बड़े शरीर पर काबज़ हुआ और किस तरह पाकिस्तान मतलब मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल के 1857 से असल में ये तहरीक जो थी अलहदगी की, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की तहरीक नहीं थी। उस वक्त अंग्रेज़ों से मतलब छुटकारा हासिल करने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिल के ये तहरीक शुरू की थी 1857 में। लेकिन उसके बाद जब
1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, तो जो मुआहदा किया गया था मुसलमानों के साथ, हिंदुओं ने जो किया था, कांग्रेस ने जो किया था, वो ये मुआहदा किया गया था कि मुसलमानों को अलहदा मतलब हक रायदही का हक दिया जाएगा और ये अपना पार्लियामेंट में इनको बाकायदा नुमाइंदगी दी जाएगी। लेकिन उस नेहरू रिपोर्ट में, ये 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, उससे वो इनहराफ कर गए और ये मुआहदा जो तकरीबन 12 साल पहले हुआ था, यानी 1928 यानी तकरीबन यूँ समझ लें कि ये 1912 साल पीछे आप जाएँ तो 1916 बनता है। तो ये मुआहदा जो था ये 1916 में हुआ था, जिसे मतलब उन्होंने इनहराफ किया और फिर ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली मौलाना शौकत अली जौहर, इन दोनों भाइयों ने फिर बाकायदा एक तहरीक चलाई जिसमें लोगों को, मुसलमानों को अवेयरनेस दी कि हमें जो है अपनी मजहबी रवायात, इस्लामी रवायात, तहजीबी रवायात और मुआशरती रवायात को आगे लेके जाना है और हमें इसके लिए आगे बढ़ना है। और फिर ये तहरीक मुसलमान पूरी मुसलमानों की और जो मुस्लिम लीग के साथ मिल के, ये सारे वो लोग थे सर सैयद अहमद ख़ान, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक वक्त में उनके साथ वायदा किया, एक चूँकि अंग्रेज़ जो है वो अपने वायदे से इनहराफ कर चुका था, क्योंकि जब हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का मुकाबला करना शुरू किया, तो इस दौरान टीपू सुल्तान और हैदर अली का ख्याल था कि अफगानिस्तान, तुर्की और फ्रांस को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन जो मुल्क के दीगर सरदार थे उन्होंने उस वक्त साथ नहीं उनका दिया, जिसकी वजह से उन्हें नाकामी से दो चार होना पड़ा। इस दौरान फिर उन्होंने अंग्रेज़ ने वायदा किया इन लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ, कि अगर हम फतह कर हासिल कर लेते हैं जर्मन के खिलाफ तो हम तुर्की के साथ मजीद तो उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि जर्मन के साथ जब अंग्रेज़ की लड़ाई हुई है, बरतानिया की लड़ाई हुई, तो उसमें तुर्की ने जर्मन का साथ दिया, जिसकी वजह से फिर वो मुखालफत बढ़ गई। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान, चूँकि जो खलीफा थे वहाँ के, सल्तनत उस्मानिया के उस वक्त के जो खलीफा थे, वो हजाज कराम की बहुत खिदमत करते थे। तुर्की के जो खलीफा थे सल्तनत, वो हजाज कराम की बहुत खिदमत करते थे, इस वजह से वो बड़े सगीर के मुसलमान जो हैं उन्हें इस्लामी एतबार से मतलब अपना एक रहनुमा समझते थे, तो लिहाजा उन्होंने तिब्बी और माली हर लिहाज से उनकी सपोर्ट की। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेज़ अपने वायदे से मुनहरफ हो गया, उसने वो जंग जीत ली, लेकिन उसके बाद फिर उसने एक जो तुर्की की वसी तक सल्तनत थी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद फिर मुसलमानों को एक बाकायदा ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद शौकत अली ने ये बाकायदा तहरीक शुरू की। मुस्लिम लीग चूँकि 1906 में ऑलरेडी बन चुकी थी, तो भी ये सारे मुसलमानों ने मिल के फिर इसको आगे बढ़ाया। फिर 30 जो अपना 1930 का इजलास था अलाहाबाद में मुस्लिम लीग का, उसमें फिर ये अलामा इकबाल ने यह तसव्वुर पेश किया कि मुसलमानों की अलग रियासत होनी चाहिए, और इसका अमली जामा जो है वो कायद अजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह ने 1940 में 23 मार्च लाहौर में होने वाले इजलास में इसको पूरा फिर आवाम के सामने पेश किया कि ये हमारा मकसद है, ये हमारी करारदाद है कि मुसलमानों की अलग रियासत होनी चाहिए, जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वो इलाके मुसलमानों के पास होने चाहिए, और उसको बाकायदा करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया, और उसके बाद फिर 1947 में पाकिस्तान मज़हब रूप में। सही, तो आप मुझे ये बताइए, इतने सालों के बाद, इतने साल हो चुके पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, इन 73 सालों में आप पाकिस्तान को इस वक्त कहाँ देखते हैं,
और आगे वाले वक्तों में इसे कहां देखते? पहले नंबर पे तो यह है कि 73 सालों में बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरफ तो हम पाकिस्तान जो है ताकत बन चुका है और ये वाहद पाकिस्तानी पाकिस्तान है, मुस्लिम रियासत जो पूरे आलम इस्लाम में पहली रियासत है जो इस वक्त एटमिक पावर है, लेकिन इसके बावजूद हम तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। मसलन बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी साफ पीने को नहीं है, सही आम पानी भी हमें दस्तियाब नहीं है। इसी तरह और बेशुमार मसाइल हैं, जैसा कि बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्यों हासिल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी वजह ये है कि क़ियाम पाकिस्तान के बाद जो इब्तदाई हमारी जो उस वक्त की क़ियादत थी, उनके गुजरने के बाद, उनकी इस जहान फ़ानी से रहलत फरमाने के बाद जितने भी लोग आए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो खा किसी भी सियासी जमात से हैं, उन्होंने इस मुल्क को ओन नहीं किया। माजरत के साथ कहूँगा मैं कि उन्होंने इस मुल्क को ओन नहीं किया, उन्होंने हमेशा इख्तदार के हसूल की जंग लड़ी है, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की, बका, सलामती और इसके इस्तकाम और इसको मजबूत पाकिस्तान और मजबूत मुस्लिम रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इख्तदार के लिए जो जद्दोजहद की है वो खाब किसी भी सियासी जमात की हो, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके बाद फिर हम इस चूँकि इख्तदार की जंग की वजह से हमारी कौम को तकसीम किया गया, हमारी कौम को तकसीम इस तरह किया गया, हमें लसानियत में बांटा गया, हमें मजहबी मुनाफरत सिखाई गई, बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हम एक कौम नहीं बन सके। क्योंकि जब आपने क्योंकि जब पाकिस्तान का तसव्वुर आता है हमारे सामने, जब पाकिस्तान की बात की जाती है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे आबाओ अजदाद ने बनते हुए देखी हैं, ये कुर्बानियाँ देते हुए उन्होंने देखी हैं, अब वो भी दुनिया से जा चुके हैं, इक्का दुक्का रह गए हैं जो मतलब इस वक्त मौजूद हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है और लोगों ने हिजरत की, कोई मशरकी पंजाब से यहाँ आया, कोई यूपी सीपी से, बिहार से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, उन्होंने हिजरत की, अपनी जायदादें छोड़ी, किस लिए? इसलिए कि हम एक आज़ाद रियासत में जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हुआ ये कि हमें यहाँ आज़ाद खिता तो ज़रूर मिल गया, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं महकूम जरूर हैं, वो हम अशराफिया के महकूम हैं, मसलन मुख्तलिफ किस्म की अशराफिया पाकिस्तान में मौजूद है, मुख्तलिफ तबकात हैं, वो सियासी भी हैं, वो मजहबी भी हैं, वो लसानियत के नाम पर भी हैं, तो इस तरह पाकिस्तान जो है मैं उसको उस हवाले से आज़ाद नहीं समझता जिस तरह पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए। हमारी सोच उतनी आज़ाद नहीं है, हमारे ख्यालात उतने आज़ाद नहीं हैं, हमारी ज़बान उतनी आज़ादी से नहीं बोल सकती जितना हमें आज़ाद होना चाहिए। हमें अगर तनकीद है, आप देखें हमारी सोसाइटी में जो है टॉलरेंस नहीं है, आप किसी को तनकीद करें वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, सही, ठीक है ना, ये हम सब का लगेगा, कोई भी अगर खुदा न खास्ता मुझे भी अगर कोई तनकीद करता तो मैं भी उसको बुरा फील करूँगा, महसूस करूँगा कि यार ये इसने मुझे तनकीद की है, हालांकि मुझे ये सोचना चाहिए अपने अमल से, क्योंकि कौमें बनती हैं अमल से, बिल्कुल, हमारा किरदार जो है वो हमें इस तरफ लेके नहीं आया कि हम एक मजबूत कौम बन पाते, हम एक मजबूत किरदार के लोग बन पाते, क्योंकि हमारी जो सियासी तरबियत है, क्योंकि मुआशरे की तरबियत जो है वो सियासी रहनुमा करते हैं। पाकिस्तान के अवाम को इख्तदार के बाद जब मतलब पाकिस्तान बन चुका तो उसके बाद इसको मुख्तलिफ तबकात में बांटा गया, तकसीम किया गया, लसानियत के नाम पे, मजहब के हवाले से, मुख्तलिफ मसालत के हवाले से,
एक हम कौम नहीं बने हैं हम, बल्कि अब तो ये है कि कौम तो क्या, हम खानदानों की हद तक भी बढ़ चुके हैं, बरादरी इज़्ज़त का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान कौम एक नहीं बन सकती, अफसोस से कहना पड़ता है कि जब पाकिस्तान हासिल किया गया तो एक नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहु कि जो अहकाम हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसको अपनाते हुए हम एक ऐसी रियासत बनाएंगे जिसमें अल्लाह का कानून नाफिज होगा। अल्लाह का कानून नाफिज होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल होगा। उनमें से ये दोनों चीज़ें इंतहाई माजरत के साथ अपने तमाम मुफक्करीन से, तमाम उलमाए कराम से, तमाम सियासतदानों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ पे किसी ने तवज्जो कि ये दोनों मफहूम जो थे दोनों ही आज हमें दिखाई नहीं देते। हमारी कौम जो है वो मुख्तलिफ तबकात में बैठी हुई, आज हम यौम आज़ादी जो मना रहे हैं ये एक महज तफरीही प्रोग्राम की हद तक रह गया। बिल्कुल, के लड़के 13 और 14 अगस्त की रात को मोटरसाइकिलों की बफले निकाल के बगैर सलंसर के वो मोटर बाइकों पे घूम रहे होते हैं, शोर शराबा और इधर उधर जो मतलब हल्ला गुल्ला। इसके अलावा एक इवेंट जिस तरह आम इवेंट मनाए जाते हैं अपनी तफरीह तबा के लिए, जो यौम आज़ादी को भी हमने उस तरह करना। यौम आज़ादी का मतलब ये है कि आप यौम आज़ादी को ज़रूर मनाएं, जोश व जज्बे से मनाएं, नई नस्ल को अवेयर करें कि इसके पीछे क्या फलसफा था, इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारी क्या जद्दोजहद थी। आज से चंद बस पहले ये था कि बकायदा तकरीबात हुआ करती थी, सरकारी सतह पे भी, आवामी सतह पे सही तकरीबात हुआ करती थी, स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टी के बावजूद उस दिन तकरीबात मुनक्कद की जाती थी, बच्चों से मिली नगमे सुने जाते थे, उनको तरबियत पहले दी जाती थी। तो बच्चों को बकायदा असातिज़ा तरबियत देते थे, उनको पहले हफ्ता 10 दिन पहले बकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। 14 अगस्त को ये पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती थी, इसके बावजूद स्कूलों को कॉलेजों को एक मखसूस वक्त के लिए खोला जाता था, उस दौरान तकरीबात मुनक्कद होती थी। असातिज़ा जो थे वो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से इस पूरी तहरीक के कि क्या क्या जदोजहद की, कैसे हासिल किया पाकिस्तान को, किन मुश्किलात का हमारे आबाओ अजदाद को सामना करना पड़ा, कैसे हमारे लोग हिजरत करके यहाँ आए, क्या हमने गंवाया इस दौरान, इस सारी जो है बच्चों को बताया जाता था। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1.5-2 दहाइयों से ये सिलसिला तकरीबन बंद हो चुका है। फिर सरकारी इमारात पे बकायदा परचम कुशाई हुआ करती थी, रेडियो पाकिस्तान के ऊपर नशरियात होती थी, PTV पे नशरियात होती थी। ये सिलसिला तो बहरहाल चल रहा है, लेकिन उसमें भी अब एक बिजनेस ने एलिमेंट उसमें शामिल हो चुका है। सही। लेकिन बैंकों में होता था, अब पाकिस्तान के अंदर वो जो जो प्राइवेट अदारे होते गए हैं उनकी मतलब अपनी ज़ाती मलकियत हो गए हैं, वो अब वो सिस्टम वहाँ से आज तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। सही। तो वरना मैंने देखा चंद साल पहले पाकिस्तान में मौजूद तमाम बैंक जो हैं, जिसमें जो इस वक्त प्राइवेट हो चुके हैं, अभी बैंक है, UBL है, दीगर बैंक हैं, अब सिर्फ और सिर्फ रह गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसमें ये बकायदा तकरीब होती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी कौम की बकायदा तरबियत नहीं की गई, हमारे सियासतदानों ने, हमारे उलमाए कराम ने, ये उनका फ़र्ज था, हमारे दानिशवर तबके का फ़र्ज था, हमारे जो सहाबी बरादरी है उनका ये फ़र्ज था कि लोगों को इस
मोटिवेट करते, उनको समझाते, उनको बताते, और इसमें उनका भी ना किसी हद तक उनको भी कसूरवार उतना नहीं ठहराता जितना कि हमारे तालीमी निज़ाम का कसूर है। कि हमारे अगर तालीमी निज़ाम को मजबूत किया होता तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। राहत सवाल अब आपकी तरक्की का कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करे, तो पाकिस्तान तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, इसके रोशन मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान को एक कौम बनना होगा। सही, एक कौम बनना होगा उस फलसफे को जो आज से तकरीबन 100 साल पहले जो हमारे आबाओ अजदाद ने तसव्वुर पेश किया था, एक फलसफा पेश किया था, उस फलसफे को लेके चले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात और सुन्नत को के ताबे होकर काम करें, और उनके क्योंकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के दुनिया में कोई आइडियल शख्सियत नहीं, बेशक, और अगर हम मुसलमान होके उन जैसी आइडियल शख्सियत को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकते, ना इखलाकी तबार से ना किसी और हवाले से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग अपना अपना किरदार अदा करें, जहाँ जहाँ भी वो मौजूद हैं, जिस अहदे पे मौजूद हैं, जिस हैसियत में वो मौजूद हैं, इस मुल्क की तरक्की सालमियत के लिए अपना किरदार करें अदा करें, और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए अपने अंदर इत्तेहाद युगान कहती और जो यूनिटी है उसको कायम करें, क्योंकि पाकिस्तान का जो फलसफा है वो ही यकीन इत्तेहाद तंजीम मुहकम है। जब इन तीन चीज़ों को आप इस पर अमल पैरा नहीं होंगे तो आप कभी भी एक कामयाब रियासत का, एक तरक्की याफ्ता रियासत का ख्वाब आपका कभी भी नहीं। जी जनाब, आपने इतने सीनियर तजज़ियाकार साजिद साहब की बातें सुनी जिनके पास तारीख का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने आज हमारे साथ डिस्कस की, हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है कि आज का शो आपको यकीनन पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारा मुल्क भी पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सके। साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच। मैं आलिया आपसे चाहूंगी इजाजत, इंशाल्लाह फिर दोबारा होगी आपसे मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद।